वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के बहुत ही प्रिय मथुरा के पेड़े। अगर आप कभी मथुरा जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो पेड़े होते हैं उनमें एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही तरीके का कलर होता है। तो चलिए फिर हम पहले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और बीच बीच में हम आपको इससे रिलेटेड बातें भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी में ही बनते हैं मथुरा के पेड़े और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ देसी घी के बाद मिल्क पाउडर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का टाइम अब शुरू होने वाला है, तो अब जो मावा है वो मार्केट में इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मिल्क पाउडर ईजिली मिल जाता है। आप मिल्क पाउडर जो है वो ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और इसको हम अच्छे से भुनेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर जो है वो अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। और बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा देसी घी भी डालते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने इसमें अभी 1 चम्मच और देसी घी डाला था। वैसे तो मैंने शुरू में ही देसी घी अच्छे से डाल दिया था, बट थोड़ा सा यहाँ पर सूखा लग रहा था तो इसमें मैंने और जो है वो देसी घी डाल दिया, पर इससे ज़्यादा देसी घी नहीं डालना है। और अब अच्छे से जो है इसका हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका हम कलर नहीं चेंज कर देते। और जैसे ही इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर जो है वो हो जाएगा तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि मथुरा के पेड़े बहुत ही खास होते हैं। अगर आप कभी मथुरा गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो पेड़े होते हैं ना वो एकदम ब्राउनिश कलर के होते हैं और वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जैसा कि आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही पेड़े वहाँ पर मैंने ट्राई किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये भी रेसिपी शेयर की जाए। तो अब यहाँ पर इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है और मैंने इसमें डाल दिया है दूध। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध जो है इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो है ये मिक्सचर जो है वो अपने में ऑब्जर्व करे दूध को और बहुत ही स्मूथ बनकर ये तैयार हो। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें डाल दिया है और इसे हम तब तक और पकाएंगे जब तक दूध जो है वो अच्छे से जो है वो सोख नहीं लेता ये मिक्सचर, और बहुत ही अच्छा बनकर ये मिक्सचर जो है वो तैयार होता है। और जैसे कि आपने देखा है कि इस पर अभी थोड़ा सा देसी घी नज़र आ रहा है, बट चिंता मत कीजिए, ये बाद में जाके देसी घी बिल्कुल भी नहीं रहेगा और मैं आपको दिखाऊंगी भी। अब देखिए जैसे कि इसने अच्छे से जो है वो कलर ले लिया है बिल्कुल मथुरा के पेड़ों वाला। तो अब मैंने इसे जो है वो गैस बंद कर दी है और इसे नीचे उतार दिया है, और देखिए ये बिल्कुल नीचे से लगा भी नहीं, जला भी नहीं, और मिक्सचर भी देखिए कितना बढ़िया रहा। तो ऐसे ही आपको भी पकाना है। और हाँ, आप कभी मथुरा गए हो और वहाँ जाके आपने पेड़े ट्राई किए हैं क्या? अगर किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे वहाँ के पेड़े। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने मिक्सचर जो है वो अब ठंडा कर लिया है। देखिए अब इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि इसमें थोड़ा सा घी देसी नज़र आ रहा है, तो वो जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ चीनी, क्योंकि चीनी हमने पहले नहीं डाली थी। चीनी मैं जैसे ही डालूंगी तो ये बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी जो है देसी घी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, जितना देसी घी चाहिए उतना ही रहेगा। तो देखिए मैंने चीनी जो है वो स्वाद अनुसार डाली है, आप भी बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक डो की तरह बना देंगे। तो लीजिए देखिए मैंने इसे अच्छे से जो है अब वो मिक्स कर दिया है और एकदम बिल्कुल अब जो है इसे एक डो की तरह जो है बना दिया है। और डो की तरह बनाने के बाद जो है अब मैं इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकालूंगी और बिल्कुल वैसे ही शेप दूंगी जैसे मथुरा के पेड़ों की शेप होती है। आपको बस थोड़ा सा डो लेना है, उसको थोड़ा सा राउंड करना है, और राउंड करके अपने थंब से या किसी आप फिंगर से जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, तो जो बिल्कुल वही वाली शेप है मथुरा के पेड़ों वाली, वही शेप आप जो है घर में भी ला सकते हो। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचा भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको वो कन्वीनियंट वे बता रही हूँ कि आप बिना सांचे के कैसे बना सकते हो वैसी वाली शेप मथुरा के पेड़ों वाली। तो लीजिए देखिए मेरे तो मथुरा के पेड़े जो है वो बनकर तैयार हो गए घर पर बहुत ही ईजिली, बहुत ही झटपट से। पर आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके।
थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए, एंड एंजॉय कीजिएगा मथुरा के पेड़े।